झुंझुनू में आज शाम को जमकर बदरा बरसे। जिला मुख्यालय समेत पांच पड़ोस के क्षेत्रों में दोपहर बाद अचानक काले बादलों से जमकर बारिश हुई। जिला मुख्यालय की हर सड़कें दरिया में बदल गई और मौसम सुहाना हो गया। हालांकि सड़कों पर पानी होने और अंधेरा होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई, वहीं आम जनजीवन भी थम गया। बच्चों ने बारिश के पानी में मस्ती का पूरा मजा लिया। शहर के कई निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया, लेकिन किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश से मौसम ने पलटी मारी है और गर्मी से आमजन को राहत मिली है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के अग्रसेन सर्किल से लेकर बीहड़ चेक पोस्ट तक पंचदेव मंदिर बस स्टैंड पर भी पानी नदी की तरह बहा, जिससे छोटे वाहनों के लिए तो यह रास्ता कट गया, वहीं बड़े वाहन भी मुश्किल से आ जा रहे थे। कई वाहन तो इस पानी में फंस कर ही रह गए। इस रास्ते में पानी जमा होने के कारण चिड़ावा का रास्ता एक तरह से जिला मुख्यालय से कट गया, जिसके चलते उन्हें दूसरे रास्तों का विकल्प लेकर ही यात्रा करनी पड़ी। साथ ही आपको बता दें कि झुंझुनू प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां पर मौसम विभाग ने पूर्व में ही भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। इधर कलेक्ट्रेट में स्थित कंट्रोल रूम के मुताबिक आंकड़ों की बात करें तो झुंझुनू, खेतड़ी और मलसीसर के अलावा पूरा जिला बारिश के लिए बादलों की तरफ ताकता ही रह गया। शाम को सर्वाधिक बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई, यहां पर 56 mm बारिश हुई। वहीं खेतड़ी और मलसीसर में 25 mm बारिश दर्ज की गई। शेष सभी जगहों पर मामूली बूंदाबूंदी हुई या फिर पूर्णतः ही सूखा रहा। जबकि बीती रात की बात करें तो उदयपुरवाटी में 18 mm बारिश दर्ज की गई, वहीं चिड़ाव में 2 तथा खेतड़ी में 42 mm बारिश दर्ज की गई। Yeah.